सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर के लिए हम लोग इसको स्टडी करेंगे। क्लास 9 10th में तुमने जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है वो तुमने एक्यूट एंगल्स के लिए पढ़ी है, यानी 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, या फिर कह लो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, राइट? यू हैव स्टडीड इट फॉर एक्यूट एंगल या एट द मोस्ट राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री इज अ राइट एंगल, उसको मैं एक्यूट एंगल कभी नहीं बोलूंगा। तो आपने एक्यूट एंगल और राइट एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक चीजें पढ़ रखी है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपने देख रखे हैं, ठीक है। पहले चलो वो देखते हैं जो तुमने पढ़ रखा है, राइट? मेरी आदत है मैं हमेशा वहां से शुरू करता हूँ जो तुम्हें आता है, okay? तो लेट्स सी, राइट? यू कैन यूज योर माइक व्हेनेवर यू विश। तो आपने जो पढ़ा है मैं पहले एक बार उसको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन थोड़ी अच्छी नहीं है, इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, लेट मी नेम इट एज ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट एंगल बी। सो इफ आई कंसिडर दिस एंगल थीटा, ध्यान से सुनना बच्चों, ये वाला पॉइंट बहुत सिंपल है बट मैंने कई बार बच्चों को कंफ्यूज होते देखा है। इफ एंगल सी इज थीटा, राइट, देन ए बी इज द परपेंडिकुलर एंड बी सी इज द बेस, डेफिनेटली साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज द हाइपोटेनस, ठीक है। बट इफ यू कंसिडर दिस एंगल टू बी इन टू कंसिडरेशन, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट दैट दिस इज थीटा, राइट, मैं इसको थीटा देता हूँ, तो जो भी थीटा के अपोजिट होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, दैट मीन्स अब जो बी सी है ना दिस विल बिकम द परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट तो हमेशा ही हाइपोटेनस होता है, दैट डज नॉट चेंज, और जो थीटा के एडजेसेंट है उसको क्या बोलेंगे, उसको बेस बोलेंगे, ठीक है। तो कंसेप्चुअली मैंने देखा है बच्चे हमेशा इस वाली साइड को परपेंडिकुलर लेते हैं, दिस बी सी को हमेशा ये बी लेते हैं। ये बेटा सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब इस थीटा एंगल को आप कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिकॉज हम जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, दैट इज अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने एंगल्स पढ़े थे, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री में हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम लोग साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो वी स्टडी इन रेफरेंस टू व्हाट, अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस तो फिक्स है, जो भी 90 के अपोजिट है वो हाइपोटेनस है, बट जो परपेंडिकुलर और बेस है दैट इज डिपेंडेंट ऑन थीटा, राइट। अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ तो एंगल ए के रेफरेंस में अगर मैं परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर इज गोइंग टू बी बी सी, और अगर मैं बेस की बात कर रहा हूँ, इफ आई टॉक अबाउट द बेस ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, राइट, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो बेस मेरा क्या है, बेस मेरा ए बी है, ठीक है। अगर मैं यही वाली बात करता हूँ एंगल सी के रिस्पेक्ट में, राइट, एंगल सी के रिस्पेक्ट में, तो अभी मेरा परपेंडिकुलर क्या है, एंगल सी के रिस्पेक्ट में द परपेंडिकुलर इज व्हाट, इट इज ए बी, एंड व्हाट इज द बेस, इफ दिस इज दिस तो दिस इज द बेस बी सी, हाइपोटेनस तो इट इज ऑलवेज ए सी, नो प्रॉब्लम, राइट, इन बोथ द केसेस द हाइपोटेनस रिमेन्स ए सी, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग वेयर सम ऑफ यू गेट कंफ्यूज्ड, आप कंपल्सरीली हमेशा इसी को परपेंडिकुलर लेना पसंद करते हो, ठीक है। तो चांस की बात है कि जनरली थीटा यही कंसिडर होता है, बट ध्यान रखना अच्छे एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता, कई बार जो है टीचर कंफ्यूज करने के लिए थीटा चेंज करेगा, तो तुमको पता होना चाहिए कि ये हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होता है, जो भी थीटा के अपोजिट है वही परपेंडिकुलर है। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर एवरीवन, इज इट? यस सर। फाइन, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग वेयर आई वांटेड टू ड्रॉ योर अटेंशन, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अगेन, अभी क्योंकि हम पहले रिविजन पे ध्यान दे रहे हैं तो चलो थोड़ा सा बेसिक और रिवाइज करते हैं, राइट। आपको एक बात मालूम है कि अगर मैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, अब आपको ये सब चीज़ें तो पता लगी, तो चलो मैं उसको यहाँ से इरेज करता हूँ, ठीक है, और एक थोड़ा बढ़िया सा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल विच इज स्लाइटली बेटर देन द प्रीवियस वन, राइट, लेट्स कॉल इट ए बी सी, एंड दिस इज योर थीटा एंगल। Now, if this is the theta angle, we strongly understand this is going to be the hypotenuse, right? This is going to be the hypotenuse. Theta ke opposite jo bhi hai, that is the perpendicular. Aur theta ke adjacent mein jo hai, wo kya hai? Ye mera base hai. Yeah? Isko mujhe small b se likhta to zyada acha hota na. Agar isko small b le raha ho, to usko bhi small p le leta ho. Aur isko bhi main small h le leta ho. ठीक है? तो sin theta के बारे में हम सब लोग बहुत confidently जानते होंगे. It
तुम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा होगा बचपन में, याद करने का तरीका तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें सिखाया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, इस तरीके से छोटे क्लास में हम लोग सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी तुम इसको याद रख सकते हो, ऐसा नहीं जो तुम छोटे क्लास में सीखते हो वो आगे काम नहीं आती, डेफिनेटली काम आती है, राइट। वहाँ पे चीज़ों को आसान करके पढ़ाया जाता है, यहाँ पे भी हम आसान करके ही पढ़ना चाहेंगे, लेकिन हम उसको समझना चाहेंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एंड हेयर। यहाँ पे भी हम आसान करके पढ़ना चाहेंगे, बट हम यहाँ पे सिर्फ रटेंगे नहीं, वहां पे तो रट लिया कि भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पहला वाला हो गया साइन, राइट, ये वाला हो गया साइन, ये हमने टीचर ने हमें बता दिया, ये हो गया कॉस और ये हो गया टेन, है ना, ऐसे ही बताया था ना। तो साइन थीटा क्या था भाई, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, अभी देखते हैं, राइट, हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, मतलब ये सब क्या साइड्स के रेशियो हैं, राइट। अब चलो वहां मैंने स्मॉल में लिखा है तो यहाँ भी मैं स्मॉल ही यूज कर लेता हूँ, लेट मी यूज स्मॉल पी स्मॉल एच स्मॉल पी एंड स्मॉल एच। सिमिलरली अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा क्या होता है बच्चों, दिस इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट, पी ओवर पी, दैट इज योर परपेंडिकुलर ओवर बेस। साइन थीटा, राइट, इसको मैं शायद आप जानते भी होंगे, मैं यहाँ पे फिर भी आपको बताऊं, साइन जो है एक्चुअली में ये शॉर्ट फॉर्म है, पूरा क्या होता है, एस आई एन ई, कॉस ये शॉर्ट फॉर्म है, पूरा क्या होता है बेटा, कोसाइन, नो, राइट, ये हाँ ठीक बोल रहा है, कोसाइन होता है, ही इज राइट, राइट, दिस कोसाइन। टैन क्या होता है, टेंजेंट, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, इट इज कोसेक, रेसिप्रोकल बोलेंगे, उल्टा बोलना तो सही नहीं है, इट इज द रेसिप्रोकल, राइट, साइन थीटा इज वन बाई कोसेक थीटा, और यू कैन ऑल्सो से कोसेक थीटा इज वन बाई साइन थीटा, दैट मीन्स कोसेक थीटा इज व्हाट, इट इज एच ओवर पी। सिमिलरली कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है, इसको तो कोसेक, इसको हम लोग कोसेक ही बोलते हैं, राइट, इनफैक्ट ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेक की फुल फॉर्म क्या होती है, सीकेंट, और कोसेक की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी होता है, ये कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट, ठीक है, कोसेकेंट, ठीक है, दिस सीकेंट एंड दिस कोसेकेंट। एंड कॉट का रेसिप्रोकल क्या है, सॉरी, टैन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा, या फिर आप ये भी कह सकते हो कॉट का रेसिप्रोकल इज टैन थीटा, ठीक है, इसको इसका इसका पूरा नाम क्या होता है, कोटेंजेंट, बिल्कुल सही, कोटेंजेंट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, am I correct? ठीक है, yes. ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं और ये आपको समझ में आना चाहिए, राइट, यहाँ तक तो कुछ भी मैंने तुम्हें नया नहीं पढ़ा है, सिर्फ बेसिक्स रिवाइज कराए, और तुमने और क्या पढ़ रखा है, मैं तुम्हें ये भी याद दिलाता हूँ, राइट, तुमने कुछ वैल्यूज भी डेफिनेटली पढ़ी हैं, और मैंने तुमसे कहा था कि अब जब तुम 10 से आगे बढ़ गए तो अब हर चीज को रेडियंस में पढ़ना शुरू करेंगे, राइट, ऐसा मैंने आपसे कहा था। तो ये रहा आपका थीटा, इधर ये 0 degree आप कहते थे इसको, फिर आप कहते थे 30 degree, उसके बाद क्या कहते थे, 45 degree, और उसके बाद 60 degree, एंड फाइनली, राइट, यहाँ तक हम लोगों ने इस तरीके से इसको पढ़ा था, एंड देन वी यूज टू से दिस इज साइन थीटा, देन कॉस थीटा, एंड देन टैन थीटा। शायद यहाँ पे भी आपके टीचर ने आपको ये याद कराने के लिए, कुछ इजी बनाने के लिए, डेफिनेटली उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, राइट, टीचर का काम होता है इस तरीके से पढ़ाओ कि बच्चों को चीज़ें आसानी से याद रहें और वो समझ भी सकें, ठीक है, तो उन्होंने शायद कुछ ऐसा किया होगा कि उन्होंने बोला होगा बेटा इस तरीके से लिख लो, 0, 1, 2, 3, 4, और सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, और फिर सबका अंडर रूट ले लो, तुम्हें मिल गई वैल्यू साइन थीटा की, तुम्हें मिल गई वैल्यू साइन थीटा, ध्यान से देखो, 0/4 इट इज 0, 1/4 का अंडर रूट कितना होगा, 1/2, 2/4 क्या बनेगा, 1/2, यानी कि अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 1/√2, ये क्या बना, √3 ऊपर रह गया, और नीचे √4 का कितना हो जाता है, 2, दैट इज √3/2, and 4/4 is 1, and root of 1 is what, 1. अगर आपके टीचर ने शायद आपको इतने बेसिक तरीके से पढ़ाया होगा,
अगर पढ़ाया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया तो अब तुम्हें ये वैल्यूज याद करने का तरीका मैंने बता दिया। कैसे बताया? 0, 1, 2, 3, 4 सबको 4 से डिवाइड करो, अंडर रूट लो, जो वैल्यू आई वो पूरी साइन थीटा तुम्हारे पास निकल के आ गई। 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree सब कुछ निकल के आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? कॉस थीटा क्या होता है? एग्जैक्टली उल्टा चलता है, जो इधर है वो यहाँ से लिखना शुरू कर दो, 1 से शुरू करो, उसके बाद क्या है √3/2, उसके बाद क्या है तुम्हारा 1/√2, ये नेक्स्ट क्या है 1/2, दैट इज योर 1/2, और ये कितना है एग्जैक्टली ऐसा होता है। और tan थीटा कुछ खास नहीं होता, ध्यान से देखो मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ tan थीटा के बारे में, मैं यहाँ से तुम्हें कुछ तुम्हारा अटेंशन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, राइट। tan थीटा ये जो है, मैं इसको ये p by b है, मैं ऊपर भी h से डिवाइड कर देता हूँ तो p by h, और नीचे भी h से डिवाइड कर देता हूँ। भाई आई कैन डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम क्वांटिटी, इससे क्या फायदा हुआ कि p by h वी नो इट इज sin थीटा एंड b by h वी नो इट इज cos थीटा, सो वी गेट टू नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट sin थीटा ओवर cos थीटा, दैट मींस tan थीटा को मैं क्या लिखूंगा 0/1, 0/1 कितना हो गया 0, 1/√2/√3/2 जब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो ये कितना आएगा 1/√3, 1/√2/√2 ये कितना बना 1, और √3/2 and 1/2 ये कितना बन गया इट इज √3 एंड 1/0 कभी भी 1/0 करते हैं तो इट इज नॉट डिफाइंड, या फिर कई बार यहाँ पे इसको इन्फिनिटी भी लिख देते हैं, डिपेंड्स इधर यू से इट इज नॉट डिफाइंड और दिस सिंबल है ना 8 होता है ना 8 8 को अगर तुम हॉरिजॉन्टल तरीके से लिख दो तो इस साइन को हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी, यानी अ वेरी वेरी लार्ज नंबर विच इज नॉट डिफाइंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी? अ वेरी वेरी लार्ज नंबर विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो किसी भी चीज को अगर 0 से 1/0, 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक बहुत लार्ज नंबर आता है जो कि डिफाइंड नहीं होता। ये वो चीजें हैं बच्चों जो तुमने पढ़ रखी हैं, मैंने अभी तक तुम्हें कुछ भी नया पढ़ाने की कोशिश ही नहीं की है, मैंने सिर्फ तुम्हें वो चीजें रिवाइज कराई हैं और उसको बेसिक ट्रिक के साथ याद कराने की कोशिश की ताकि तुम्हें ध्यान रहे। ये सब चीजें टीचर ने तुम्हें जरूर बताया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड देन 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लो, मतलब ये तुम्हें याद हो गया, एक बार में चुटकी बजाते तुम्हें याद हो गया, राइट। कुछ भी मैंने तुम्हें अभी तक याद करने का तरीका नहीं बताया, मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताया कि कैसे याद रखना है। इज इट ओके एवरीवन? फाइन, राइट। शायद तुमने एक चीज और भी पढ़ी होगी, चलो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ इस स्क्रीन पे, मैं सिर्फ वो चीजें तुम्हें बता रहा हूँ जो तुमने अभी तक पढ़ रखी हैं। ये तुम्हारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, राइट। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, राइट। दिस यू कॉल एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज पॉजिटिव, दिस यू कॉल एज द सेकंड क्वाड्रेंट वेयर एक्स इज नेगेटिव बट वाई इज पॉजिटिव, एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट व्हाट हैपेंस, एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज आल्सो नेगेटिव, वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट In this case, x is positive but y is negative. क्या ये बातें आपने पढ़ी हैं बेटा? पढ़ी होंगी। Yes sir. Right. Yes sir. तुमने ये भी देखा होगा कि ASTC होता था और इसका मतलब तुम्हें याद करने के लिए शायद दिलाया बताया गया होगा after school to college, after school to coaching, add sugar to coffee. टीचर अलग अलग तरीके से याद कराते हैं और इसका मतलब ये बताते हैं कि यहाँ पे all positive, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव, राइट, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, यहाँ पे सारे के सारे रेशियोज पॉजिटिव हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक एवरीथिंग इज पॉजिटिव। इन द सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, दैट मींस साइन एंड कोसेक, दीज टू थिंग्स आर पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, रेस्ट एवरीथिंग इज नेगेटिव। In the third quadrant, it is only the tan and its reciprocal, which is cot, right? Tan as well as cot, ये दोनों चीजें third quadrant में positive हैं। और fourth quadrant में cos और उसका reciprocal, cos क्या था तुम्हारा, cos ये था और उसका reciprocal क्या था, sec। तो fourth quadrant में ये चीजें negative होती हैं। क्या ये सारी चीजें तुम्हें पढ़ाई गई हैं छोटे क्लास में? Everything till now? Yes or no? Yes. Including this ASTC, ये भी तो बताया गया होगा? गुड, ये नहीं बताया गया, चलो कोई नहीं, इसीलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। मुझे पता था कि हो सकता है बताया गया हो या हो सकता है बताया गया हो लेकिन आपको याद ना हो, राइट, इसलिए मैंने अभी तक सिर्फ तुम्हें वो चीजें बताई जो कंपल्सरिली अभी तक तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है।
आओ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग 11th का सिलेबस थोड़ा देखना शुरू करते हैं, राइट। एएसटीसी, हमने इस बात को समझ लिया कि एएसटीसी एक्चुअली होता क्या है, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको हम लोग एक्स डैश भी कह देते हैं नेगेटिव साइड को, और इधर नेगेटिव साइड को हम लोग वाई डैश भी कह देते हैं। दिस इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिन वेयर द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस मीट्स। मैंने एक यूनिट सर्कल लिया है, यूनिट सर्कल समझते हो ना, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 है, दैट इज कॉल्ड अ यूनिट सर्कल, ठीक है। कोई भी एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 है उसको मैं क्या बोलूंगा, यूनिट सर्कल बोलूंगा। सो आई हैव कंसिडर्ड अ यूनिट सर्कल एंड आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट इज दिस एएसटीसी। मैंने क्या बोला, 11th में, 10th में तुमने जितनी चीजें पढ़ी, जो भी पढ़ा, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया जो तुमने 10th में पढ़ा, आधे घंटे में 10th की ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन अभी कम से कम आगे 8 से 10 घंटे चलनी है 11th की ट्रिगोनोमेट्री, मिनिमम 10 आवर्स, मैक्सिमम हो सकता है 15-16 आवर्स भी जा सकती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कोई जल्दी में कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत रिलैक्स होकर करेंगे, जैसे हमने पहले करा है वैसे करेंगे। एएसटीसी, अब हमें ये समझना है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, व्हाई एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, why only sin is positive in the second quadrant, why only tan is positive in the third quadrant, and why only cos is positive in the fourth quadrant. As I told you in 11th and 12th, you need to understand things. रटने वाले बच्चे रटते हैं, रटवाने वाले टीचर्स रटवाते हैं, but मैं strongly हमेशा ये मानता हूँ कि अगर आप चीजों को समझ के कर रहे हो तभी आप सही कर रहे हो, otherwise आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो हम हर चीज को समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। अब इसमें मैंने एक यूनिट सर्कल लिया है, यूनिट सर्कल में होता क्या है बेटा, मैंने बोला था कि एक ये आपका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, यहाँ से हम लोग साइड को रोटेट करना शुरू करते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव थीटा होता है, ठीक है। तो मैंने ये जो रेडियस है इसको रोटेट किया थोड़ा सा यहाँ पे, तो रेडियस है तो इसकी लेंथ अगर यहाँ पे 1 थी तो यहाँ भी 1 ही होगी ना, राइट। थीटा पहले 0 था, अब सपोज करो थीटा कुछ भी हो गया, राइट, इट इज थीटा विच इज स्लाइटली इम्प्रूव्ड, राइट, लेट्स कॉल इट थीटा 1, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बातें। मैं इस पॉइंट ओरिजिन को ओ बोल रहा हूँ, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, और इसको मैं अभी बी बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस थीटा एंगल को फर्दर इम्प्रूव किया, इंक्रीज किया रहा था, तो अब ये इधर को जाएगा, मैंने इसको और ज़्यादा इधर मूव किया तो अभी ये इधर को जाएगा। अब अभी रेडियस तो अभी भी 1 है, लेकिन ये जो ट्रायंगल है, राइट, जो पहले मेरे पास, अब लेट से ये पॉइंट मेरे पास बी था, राइट, मुझे एक्चुअली ट्रायंगल कंसीडर करना चाहिए, तो थीटा 1 के लिए मैंने ये ए लिया और ये बी लिया, ठीक है। थीटा 2 इज द लार्जर एंगल, दिस वन, राइट, दिस इज योर थीटा 2, जो मैंने वाइट से बनाया दैट इज थीटा 2, ठीक है, द लार्जर एंगल इज थीटा 2। सो लेट से दिस पॉइंट इज ए डैश and this point is b'। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना, तुम्हें हर चीज समझ में आएगी, और इन केस ना समझ में आए तो डोंट हेजिटेट, आस्क मी देन एंड देयर, ओके। नाउ अगर बेटा, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल OAB की बात करूं, OAB की बात करूं, और फिर मैं उसके बाद ट्रायंगल OA'B' की बात भी करूंगा, ओके, तो यहां पे मैं देखना चाह रहा हूं sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये तुम्हारे प्राइमरी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं, इस वो जो है वो सेकेंडरी हैं। sin थीटा का उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लो तो cosec है, cos का ले लो तो आपका sec है, tan कर लो तो cot है, ठीक है। मैं प्राइमरी वाले स्टडी कर लेता हूँ और जो सेकेंडरी वाले हैं वो उसके बेसिस पे समझ लेंगे, राइट। आप बोलोगे सर उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो मैं अभी sin थीटा 1 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं sin थीटा 1, cos थीटा 1, tan थीटा 1 की बात कर रहा हूँ। तो इसमें मैं साइन थीटा 1, अब अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ए बी है ना, परपेंडिकुलर इज ए बी, एंड इट इज व्हाट, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, इट इज 1, राइट, और यू कैन से इट इज द रेडियस, राइट, व्हिच इज 1। कॉस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा इज ओबी ओवर आर, एंड टैन थीटा इज व्हाट, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो परपेंडिकुलर इज ए बी एंड द बेस इज ओबी। Tell me children, is this clear to everyone? Yes or no? Yes sir. मैंने अभी तक कुछ तुम्हें खास बताया नहीं है, बस मैं तुम्हें सिर्फ ये अभी समझाने जा रहा हूँ, बहुत important conclusion की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं।
कि एग्जैक्टली कौन सी चीज कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, क्यों होती है, कब इंक्रीज हो रही है, कब डिक्रीज हो रही है, ये सारी बातें तुम्हें इस डिस्कशन से समझ में आने वाली हैं, ठीक है। ध्यान देना, साइन थीटा टू की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। साइन थीटा टू, दिस इज योर थीटा टू। अब इसमें इस ट्राइंगल में अब मैं कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करूंगा, ओ ए डैश बी डैश, यस और नो? तो यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर क्या हो गया, दिस इज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। व्हाट इज द रेडियस हियर, द रेडियस रिमेन्स आर कॉस थीटा टू, कॉस थीटा टू में अब मेरे पास बेस कितना हो गया, ओ बी डैश, इट इज ओ बी डैश। एंड व्हाट इज द हाइपोटेन्यूस अगेन, इट इज द रेडियस अगेन। एंड व्हाट इज टैन थीटा टू, इट इज ए डैश बी डैश ओवर ओ बी डैश। अब बेटा अगर मैं तुमसे सिंपल सी एक बात पूछूं कि थीटा वन और थीटा टू में क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि ए डैश बी डैश इज ग्रेटर देन ए बी, कैन आई से दैट? आई होप यू विल से यस, राइट। सिमिलरली कैन आई ऑल्सो से दैट ओ बी डैश इज लेस देन ओ बी? मतलब जैसे जैसे मैं थीटा को इंप्रूव करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो मेरा परपेंडिकुलर का साइज इंक्रीज होता जाएगा और बेस का साइज रिड्यूस होता जाएगा, बेस विल डिक्रीज। जैसे थीटा अभी फर्दर इंक्रीज होगा, राइट, आई विल टर्न ऑन द कैमरा नाउ बिकॉज़ इलेक्ट्रिसिटी हैज जस्ट कम, राइट। आई स्ट्रांगली फील व्हेन यू लुक एट मी तो शायद तुम्हें ज्यादा समझ में आना शुरू हो जाता है, राइट। सो टर्न ऑन द कैमरा नाउ, ध्यान से देखना भाई। तो यहां तक हम लोग चीजों को देख के समझ के करते जा रहे हैं और यहाँ से आगे हम चीजों को और फर्दर समझना चाहते हैं, राइट। वी वांट टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग इन दिस, राइट। इफ वी अंडरस्टैंड द वर्क वुड रियली बिकम एक्सेप्शनली इजी एंड इंटरेस्टिंग, बट इफ यू ट्राई टू क्रैम इट, इट विल बी वेरी वेरी टफ, राइट। समझने की कोशिश करोगे तुम्हें चीजें आसान दिखेंगी हमेशा, ओके। तो इस पॉइंट तक आपको चीजों को समझ में आ गया होगा कि ऐसा है। अब इसके बेसिस पे बेटा ध्यान से देखो, क्योंकि आर तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ भी वन है और यहाँ भी वन है, राइट, इवन यहाँ पे भी आ रही है। और क्योंकि ए बी तुम्हारा ए बी डैश से छोटा है, तो क्वाइट ऑब्वियस मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि जो साइन थीटा टू है दैट इज ग्रेटर देन साइन थीटा, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज कॉन्स्टेंट इन बोथ द रेशियोज। व्हेन द न्यूमरेटर इंक्रीजेस देन द एनी फ्रैक्शन वुड इंक्रीज, दैट्स अ बेसिक थिंग अबाउट फ्रैक्शंस दैट यू मस्ट हैव स्टडीड मे बी इन फोर्थ और फिफ्थ क्लास। किसी भी रेशियो में अगर मैं न्यूमरेटर को इंक्रीज कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर मेरा कॉन्स्टेंट है, तो डेफिनेटली द रेशियो वुड इंक्रीज इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा टू, राइट। साइन थीटा टू द ए डैश बी डैश इज लार्जर देन ए बी एंड द डिनोमिनेटर इज कॉन्स्टेंट, इट इज आर। सो क्वाइट ऑब्वियस साइन थीटा टू इज ग्रेटर देन साइन थीटा वन बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। You'll get to know that cos theta 2 is less than sin theta 1. Sorry, cos theta 1. क्यों? ध्यान से देखो. Again, denominator constant है, यहाँ भी R और यहाँ भी R. ये OB है और ये OB dash है. तुम्हें देख के पता लग रहा होगा भाई OB बड़ा है या OB dash बड़ा है, कौन सा बड़ा है? OB बड़ा है, right? OB is larger than OB dash. तो जहाँ भी तुम्हारा denominator छोटा हो गया, वो value छोटी हो गई. तो यहाँ पे cos theta 2 में क्या हो गया? Denominator has decreased, numerator has decreased, the numerator was OB, now the numerator in theta 2 is what? It is OB dash, so value decrease ho gayi, so fraction decrease ho gaya, isliye cos theta 2 is less than cos theta 1. Similarly, tan theta ko jab aap study karoge, to fir se aapko kya milega? Tan theta 2 is greater than tan theta 1, theek hai? Ab yahan se kuch bade important conclusions hum log draw karenge, jo aapko zarur se apne paas likhna chahiye, right? जैसे जैसे मैं थीटा को इंक्रीज करूंगा, तो हर बार ये जो परपेंडिकुलर है, अब मैं थीटा यहां लेके आऊंगा, परपेंडिकुलर की साइज फर्दर बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले ये थी परपेंडिकुलर, अब ये हो गई, अब क्या हो रही है? अब ये हो रही है, तो ऑब्वियस बात है हर बार परपेंडिकुलर ऊंचा होता जा रहा है। अब ध्यान से देखो, जब ये रेडियस घूम के इधर आ जाएगा एग्जैक्टली यहाँ पे 90 डिग्री पे, तो ये रेडियस किसके बराबर हो गया? क्या परपेंडिकुलर के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? रेडियस परपेंडिकुलर के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, एंड एट 90 डिग्री द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द रेडियस, दैट इज व्हाई साइन 90 इज व्हाट? इट इज 1। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, व्हाई इज इट गेटिंग द वैल्यू ऑफ 1? साइन 90 1 क्यों होता है? क्योंकि जब ये 90 होता है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बराबर हो जाता है, और
यहाँ पे बेस कितना रह गया, जीरो। जैसे ये एंगल, ये वाला जो रेडियस है, ये OB, ये जो रेडियस है OB, ये जब यहाँ घूम के यहाँ पे आ गया 90 पे, तो अब ये OB ये है, ये तुम्हारा ये क्या है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, और बेस क्या हो गया, जीरो। इसीलिए cos 90 कितना हो जाता है, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, द बेस बिकम जीरो, एंड दैट इज व्हाई cos 90 इज जीरो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट चिल्ड्रन? सर cos 90 वाला फिर से एक्सप्लेन करें। ओके, लेट मी मेक अ बेटर, थोड़ा ज्यादा हॉशपॉच हो गया है उस चैप्टर में, समझने में परेशानी हो रही है। देखो भाई, एक बात तो पता है कि ये तुम्हारा रेडियस है, और इसको जब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करूंगा तो मुझे पॉजिटिव एंगल्स मिलते चले जाएंगे। जितना आगे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा, थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ये तो हम लोग जानते हैं ना, राइट। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा द वैल्यू ऑफ थीटा विल इंक्रीज। और अगर ध्यान से देखो तो हर बार जो ट्राइंगल बढ़ रहा है, एवरी टाइम द ट्राइंगल वट एवर इज कमिंग टू अस, हर ट्राइंगल में क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर इज इंक्रीजिंग एंड द बेस इज डिक्रीजिंग, यस और नो? यस सर। नाउ द मोमेंट दिस coincides at 90 degree, तो अब ये जब जब ये एंगल तुम्हारा 90 होगा, तो ये जो साइड थी तुम्हारी, ये वाली साइड, राइट, मैं इसको ए बी कह रहा हूँ, ठीक है, ये ए बी साइड, तो अब ये ए यहाँ पे आ गया ना, अब ये क्या बन जाएगा, ओ ए बन जाएगा, ठीक है। तो जब ये ओ ए बन गया, तुम्हारा एंगल ये रेडियस ये घूम के यहाँ पे आ गया, नाउ दैट इट इज ओ ए, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ओ ए इज इक्वल टू व्हाट, द रेडियस, यानी जो तुम्हारा ये पहले ए बी था, अब ओ पॉइंट बी में कोइंसाइड कर गया, या फिर ये कह लो कि बी यहाँ ए के ओ के साथ चिपक गया, तो ओ बी की वैल्यू कितनी हो गई एट 90 डिग्री, ओ बी इज बिकमिंग व्हाट, जीरो। एट 90 डिग्री व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ बी, इट इज जीरो, ठीक है। एंड व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस रिमेन्स द सेम और बेस हो गया जीरो, तो कॉस 90 कितना होता है, इसीलिए इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो, इज इट ओके, ठीक है। यहां से जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स आप अभी तक जो मैं चाहता हूं आप ध्यान से समझें, एक क्विक समरी दे रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है, बहुत रिलैक्स होकर करना है। नहीं समझ में आ रहा दोबारा बोलो कि सर नहीं समझ में आ रहा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैं एक उन पॉइंट्स पे ज्यादा स्ट्रेस देना चाह रहा हूं जिसपे आपको समझ में आना चाहिए। पहली चीज, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंप्रूव होती है, इंक्रीज होती है, वैसे वैसे हमारा परपेंडिकुलर इंक्रीज होता है और बेस डिक्रीज होता है। द फर्स्ट पॉइंट, इज इट क्लियर? Yes, sir. Definitely, the hypotenuse will always remain constant. Reason being, it is the radius of the circle. मैं इस angle को कितना भी increase कर दूँ, radius तो one ही रहेगा. मैं इस angle को कहीं भी ले जाऊँ, तो ये तो मेरा one ही रहेगा. The radius, that means the hypotenuse of the triangle, whatever be the triangle, whatever be the theta, the radius will remain one. I hope that is clear. ठीक है? तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सभी हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की है, जीरो से लेके 90 तक हमने स्टडी किया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ये देखा कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा इंक्रीज होता है, इसीलिए हम लोग साइन थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट कंक्लूजंस हैं, ध्यान रखना। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, विद द इंक्रीज इन थीटा साइन थीटा इंक्रीजेस। वैल्यूज याद करो ना, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जीरो था, वन बाई टू, वन बाई रूट, क्योंकि यहाँ पे जो इसका न्यूमरेटर है, cos theta का न्यूमरेटर क्या है, बेस, वो डिक्रीज हो रहा है। ध्यान से देखो, तुम्हें दिख रहा है डायग्राम में, जैसे जैसे theta इंक्रीज हो रहा है, पहले ये बेस था बड़ा वाला, फिर और थीटा इंक्रीज हुआ, छोटा ये रह गया, राइट, और थीटा इंक्रीज हुआ तो थीटा और ये वाला रह गया। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता जाता है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो cos थीटा इज डिक्रीजिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। sin थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। tan थीटा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रही है, राइट, और बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, बहुत तेजी से। क्यों? किसी भी फ्रैक्शन में बेटा आपके पास एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। अगर डिनोमिनेटर कांस्टेंट है और न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है तो फ्रैक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली अगर तुम्हारा न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, राइट, दिस इज कांस्टेंट और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन वुड व्हाट, इट विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये समझने की बात है कि टैन थीटा में क्या होता है, जैसे थीटा बढ़ाते हैं
देखो न्यूमरेटर तो इंक्रीज होता ही है, क्यों? बिकॉज परपेंडिकुलर है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर तो इंक्रीज हो ही रहा है, जिसकी वजह से फ्रैक्शन इंक्रीज होगी होगी। और ध्यान से देखो ओबी डैश क्या था तुम्हारा, ओबी क्या था, दैट वाज द बेस जो कि डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे दोनों चीजें डबल हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये दोनों वो फैक्टर है जिसकी वजह से कोई भी फ्रैक्शन इंक्रीज होता है। इसीलिए टेन थीटा की वैल्यू बहुत रैपिडली इंक्रीज होती है, राइट। टेन थीटा इंक्रीजेस वेरी रैपिडली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इज इट ओके एवरीवन? ओके, यहां तक तुम्हें जो भी लिखना है तुम लिख लो, कुछ पूछना है पूछ लो, आई विल वेट फॉर अ मोमेंट। जो भी आपको पूछना है पूछिए, जो भी लिखना है लिख लीजिए। Once you are okay with this, after clearing the screen now, I'm going to discuss why is it positive in the first quadrant, why sine is positive, why only sine is positive in the second quadrant, why tan is positive in the third quadrant and so on, right? तो अभी मैं इस बात पे आने वाला हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ इतना conclusion draw किया है कि first quadrant में sine theta क्यों increasing है, cos theta क्यों decreasing है और tan theta बहुत rapidly increasing क्यों है। मैंने अभी तक इतनी बातें आपके साथ की हैं। That is the status of this particular class till this point. Okay, apart from revising the basic things that you have already done in previous classes. Okay, so I believe none of you has anything to discuss. तो अब आओ ASTC की तरफ move करते हैं। मैं ये screen clear कर रहा हूँ and I'm moving to ASTC. So I consider a triangle. Let the center be O and let this be A. जब मैं इस पे perpendicular draw करता हूँ, let's say this is B. X axis है और ये Y axis है। OB को मैं X ले रहा हूँ, AB को Y ले रहा हूँ, ठीक है, वर्टिकल है इसको Y ले रहा हूँ, और ये तो रेडियस है तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, इसको मैं R या फिर 1 जो चाहे तुम बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। जनरल एक्सप्रेशन के लिए मैं R ले लेता हूँ, ठीक है। रेडियस है तो रेडियस एक लेंथ होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना। एनी लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, अ लेंथ कैन बी जीरो, राइट। जहाँ पे शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया, तो व्हाट इज द लेंथ इज जीरो, ठीक है। But yes, it can never be negative. Radius is a length, it can never be negative. यहाँ मैंने first quadrant में देखा, तो first quadrant में मेरे पास क्या है? First quadrant में x भी positive है और y भी positive. Second quadrant में x तो negative है, लेकिन y positive. Third quadrant में x भी negative है और y भी negative. Fourth quadrant में x तो positive है, but y negative है. और अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करूं साइन थीटा कॉस थीटा की, ध्यान से देखना, बहुत इजी है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा में क्या बोलूंगा, वाई ओवर आर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। कहीं भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना भाई, टॉकिंग ऑफ दिस थीटा। कॉस थीटा की बात करूं, बेस विच इज एक्स ओवर आर, और टेन थीटा की बात करूं, इट इज वाई over x, perpendicular over base. So first quadrant में x भी positive, y भी positive और r तो permanently positive. इसीलिए all positive. Sine, cos, tan सब कुछ positive. That is the reason it is all positive. When you increase the angle and you move this, अगर तुम इस CC को rotate करते हुए यहाँ कहीं पे ले आओ, ये तुम्हारा radius rotate होता हुआ कहाँ गया? यहाँ कहीं पे आया. Angle has increased it. Now it is more than 90 degree. You have entered the second quadrant, children. In the second quadrant, let's say the triangle that you make, that is always with respect to the x-axis, whether positive or negative, doesn't matter. So here, now you have the negative x-axis. That was a dash, let's call it b dash. Okay? Ab dhyan se dekho, bachcho. Tumhara jo x hai, wo kya ban gaya? Negative. Y abhi bhi positive hai, kyunki ye x-axis ke upar hai. जब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो क्या नेगेटिव हो गया बेटा? एक्स नेगेटिव हो गया, लेकिन वाई अभी भी पॉजिटिव है। तो किसी भी एंगल के लिए जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, हमारे पास एक्स तो नेगेटिव है बट वाई पॉजिटिव है, क्योंकि वाई पॉजिटिव है और आर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव हो गया और आर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव।
बात को समझना, ठीक है। और यहाँ पे y तो पॉजिटिव है बट x नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल क्या बन गया, नेगेटिव। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में व्हाट इज पॉजिटिव, इट इज ओनली द साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल। व्हाट इज रेसिप्रोकल, r / y, भाई वो भी तो पॉजिटिव ही होगा, है या नहीं। जब तुम थर्ड क्वाड्रेंट में आए, यू हैव रोटेटेड द रेडियस फर्दर, यू हैव मूव्ड इट टू द थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। यहां कहीं पे ये रेडियस बना, ये रेडियस यहां पे आ, अब ये एंगल है तो ट्राइंगल तो यही बनेगा भाई, ट्राइंगल तो यही बनेगा। नाउ दैट ओके मनन, यू नीड टू आस्क समथिंग, बोलो बेटा, यू हैव रेज्ड योर हैंड। सर इसमें ये कॉस लेंथ तो नेगेटिव नहीं होती, तो फिर कॉस नेगेटिव क्यों आता है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा, लेंथ तो नेगेटिव नहीं होती तो कॉस क्यों नेगेटिव हो गया। बेटा लेंथ क्या है, लेंथ तुम्हारे पास रेडियस है, एक्स और वाई जो है वो क्वाड्रेंट्स पे डिपेंडेंट है। एक्स और वाई कहाँ पे, किस पे डिपेंडेंट है, क्वाड्रेंट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जब ये तुम्हारा, अब देखो तुम अगर ऐसे भी देखो रेडियस को, तुम क्या लिखते हो, रेडियस क्या होता है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, नहीं होता है किसी भी जगह पे। अब चाहे एक्स नेगेटिव हो या फिर वाई नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, लेकिन हाँ एक्स और वाई क्या होगा, वो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा और वाई पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को समझना है कि ये क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। और जो रेडियस है, क्योंकि आप नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, और जब आप उसको स्क्वायर करके रेडियस निकालते हैं तो वो चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो दैट इज द रीजन, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन सी चीज पॉजिटिव आई, सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल, उसके पीछे का हमने रीजन समझा। सिमिलरली जब आप थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ मूव करते हो, राइट, मैं थर्ड क्वाड्रेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैं जब थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ मूव किया तो ये मेरा एंगल आया और ये ट्रायंगल द रेड वन, दिस इज द ट्रायंगल, राइट। अभी क्या है, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, वाई नेगेटिव है, नेगेटिव अपॉन आर, आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन आर इज व्हाट, नेगेटिव। एक्स इज नेगेटिव, आर इज पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन आर इज व्हाट, नेगेटिव। एंड हियर एक्स इज ऑल्सो नेगेटिव, वाई इज ऑल्सो नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज व्हाट, इट इज पॉजिटिव, एंड दैट इज द रीजन tan is positive in the third quadrant. And needless to say, iska jo reciprocal hoga, that is x upon y, which is cot, even that would be positive. Is it okay, bacho? Yes. Okay. Similarly, when you rotate this radius further to the fourth quadrant, somewhere here, abhi jo tumhara triangle banega, wo kuch aisa banega. Hamesha x-axis ke saath triangle banega, dhyan rakhna. Okay? तो अब यहाँ पे क्या है, x तो पॉजिटिव हो गया बट y अभी भी नेगेटिव है, x पॉजिटिव है बेटा y नेगेटिव है, तो साइन क्या रहा, नेगेटिव। x पॉजिटिव है और r हमेशा पॉजिटिव है, यानी cos क्या बन गया, पॉजिटिव। y इज नेगेटिव एंड x इज पॉजिटिव, तो ये क्या रह गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। सो why इज इट पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज r इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड x इज पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज why यू हैव ASTC। डू यू अंडरस्टैंड दिस ASTC नाउ everyone? Clear? Yes, sir. Fine. Kritika ki awaaz nahi aayi mujhe, Kritika aur Vedansh ki. Yes sir. Acha, zara zabardasti yes bolne ki zarurat nahi hai. Sir bola tha. Acha bola tha, theek hai. Oh, main thoda boodha ho raha hu na, awaaz thodi kam aati hai mujhe. Chalo theek hai. That is okay. So at this stage you understand abhi tak tumne kya kya cheeze sikhi hain, राइट। एक बार एक क्विक समराइज करते हैं जो चीजें आपने अभी सीख ली हैं और जिसको आप परमानेंटली ध्यान रखोगे, बहुत बेसिक बातें, इलेवेंथ क्लास में ये सब बेसिक बातें हैं। तुम जो टेंथ में नाइन्थ पे पढ़ के आए हो ना, देयर इज नॉट इवन 10% ऑफ व्हाट यू स्टडी इन 11th एंड 12th, नॉट इवन 10%, राइट। तो जब उससे 10 times ज्यादा पढ़ना है तो वहां तो रट के और उससे उन सबसे काम चल गया, यहाँ नहीं चलेगा बेटा, यहाँ समझोगे तभी बात अच्छे से हो पाई, लेकिन हाँ समझ में आ रहा होगा, राइट। इट इज नथिंग इज डिफिकल्ट हियर, right, in this subject everything is easy. So what you have studied till now, you have studied till now that in the first quadrant sine theta is increasing, in the first quadrant sine theta is increasing, tan theta is increasing and that too very rapidly, bahut tezi se increase hota hai, इसको क्या बोलूंगा मैं, ग्रेजुअली।
जो स्लो इंक्रीज होता है, कोई भी काम अगर ग्रेजुअली होती है, स्लोली 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 होती है तो ग्रेजुअली है, और cos थीटा क्या था, इंक्रीज है। ये सब कब, व्हेन थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और क्या बताया हमने, ASTC को समझा, ASTC यहाँ पे सब कुछ क्यों पॉजिटिव है, यहाँ पे सिर्फ साइन क्यों पॉजिटिव है, यहाँ पे सिर्फ cos क्यों पॉजिटिव है, और यहाँ पे सिर्फ tan क्यों पॉजिटिव है, और यहाँ पे सिर्फ cos क्यों पॉजिटिव है, इस बात को हमने समझा, राइट। तो अभी तक हमने इतनी सी बातें, हमने 10th रिवाइज किया और इतनी सी बात हमने अभी तक समझी, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स, राइट। ये चीज हालांकि मैंने तुम्हें रिविजन के तौर पर बता दी थी, लेकिन अब थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करते हैं, राइट, थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फर्दर। सपोज करो मैं आपसे कहता हूँ कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, मैं हर बार कोसेक, सेक और कॉट को इग्नोर कर दे रहा हूँ, बिलीविंग दैट कि यू अंडरस्टैंड कि जो भी साइन थीटा होगा उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो निकल आएगा, कोसेक निकल आएगा, कॉस का उल्टा करोगे सेक आ जाएगा, टैन का उल्टा करोगे कॉट आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ तीन जो प्राइमरी रेशियोज है मैं उन्हीं को बार बार लेके चल देता हूँ, ठीक है। आप उसका सेकेंड पार्ट आई होप दैट इज ओके टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो नाउ मैंने एक बात तुम्हें बार बार कही कि हमेशा डिग्री को आप पीछे छोड़ के हमें रेडियंस में चीजों में कंफर्टेबल होना है। जीरो डिग्री इज जीरो रेडियंस, 30 degrees इज पाई बाई 6 रेडियंस, 45 degrees is pi by 4 radians, 60 degrees is pi by 3 radian, and 90 degrees is pi by 2 radian, right? Values तो हमने अभी अभी सीख भी लिया था और हमें अदरवाइज याद भी होगा। ये कितना था, 0, the next was 1 by 2, next was 1 over root 2, and this was what, root 3 over 2, and this was 1. Similarly, we can do it for even this one, right? But अब क्या है ना बेटा, अब आपका 90 डिग्री तक से काम नहीं चलेगा, आपको आगे आज बढ़ना है, right? You have to move ahead. 90 के आगे जो हमारे पास एंगल्स हैं उसमें भी हमें वैल्यूज समझ में आनी चाहिए कि आखिर क्या है, right? और क्यों है, more importantly क्या है तो समझ में आना ही चाहिए, ये भी समझ में आना चाहिए कि क्यों है, ठीक है। तो क्यों है वाले एस्पेक्ट को भी हम लोग समझने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, राइट। जहां आपको ना समझ में आए आप मुझे वहां पे रोकोगे और मुझे बताओगे कि हाँ सर ये वाली बात नहीं समझ में आ रही, आप दोबारा बताओ, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, मैं यहाँ पे 120 डिग्री लिख रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ, क्योंकि तुम डिग्री में कंफर्टेबल हो या इसलिए मैं तुम्हें डिग्री दिखा रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं तुम्हें रेडियंस भी दिखाना चाहता हूँ। जब तुम 120 डिग्री की बात करोगे तो तुम्हें रेडियंस में मिल जाएगा 2π/3, ठीक है, कितना मिलेगा 2π/3। सिमिलरली जब थोड़ा और आगे बढ़ोगे 135 डिग्री की बात करोगे, राइट, 135 डिग्री की बात करोगे तो मेरे ख्याल से वो हो जाएगा 3π/4, 135 degree. ये सब कहाँ चल रहे हैं, अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट में चल रहे हैं, okay? और अगर आप 150 डिग्री की बात करेंगे, है ना, 150 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए 5π/6, ठीक है। एंड देन 180 डिग्री कितना होता है ये तो तुम्हें पता ही है, इट इज पाई, ठीक है। तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट के सारी चीजें को यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है, मैंने सारी चीजें रख दी। अब हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज क्या हो। तो सबसे पहले चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि साइन के यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज होंगी ये सब पॉजिटिव होंगी। न्यूमेरिकली कितनी है वो हम देख लेंगे, बट ये सब की सब क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ये बात तो समझ में आती है, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। सिमिलरली कॉस की सारी वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव में आएंगी, टैन की सारी वैल्यूज नेगेटिव में आएंगी। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड एंड दैट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। Now the second aspect is कि आखिर वो वैल्यू होगी कितनी, न्यूमेरिकली कितनी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ में आ गया, बिकॉज एज पर द क्वाड्रेंट आपने बता दिया कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, टैन नेगेटिव है, राइट। बट वो न्यूमेरिकली वो वैल्यू कितनी है इस बात को भी हम समझना चाहते हैं, ओके, ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये जो है ना पाई बाई सिक्स,
जिसमें तुम कंफर्टेबल हो उस सिस्टम में उसको 30 डिग्री कहते हैं। जिस सिस्टम में आप कंफर्टेबल हैं उस सिस्टम में आप क्या कहते हैं 30 डिग्री, राइट। लेकिन मैं बार बार इसको 5/6 ही कहूंगा और मैं चाहता हूं कि आप भी इसी में कंफर्टेबल हो। 11 12th में तुम्हें रेडियंस ही मिलेंगे, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि साइन 5/6 यानी कि साइन 30 डिग्री, दिस थिंग इज 1/2, और आई से दैट व्हेन दिस एंगल इज 5/6 वी नो दैट दिस इज व्हाट, दिस इज ऑलवेज 90 डिग्री एंड एज पर द सिस्टम 90 + 30 this should be 60 which is 5/3, okay. So sin theta humne 5/6 ko consider kiya hai, yani ki perpendicular over what, the hypotenuse, right. Sin theta is what, perpendicular over hypotenuse. So if I talk about this, the base ye kitna hone wala hai, this is going to be what, 2 ka square. Pythagoras theorem to bachpan se pad rahe ho na yaar, 2 ka square 4 - 1 yani ki 4 - 1 kitna hua, 3, yani ki base kitna ho gaya 3. Yahan se dekho साइन थीटा कितना है तुम्हारा, साइन 5/6 इज 1/2, और अगर मैं कॉस 5/6 इसी ट्रायंगल से, बिकॉज इसी ट्रायंगल से तो बात करेंगे यार, कॉस 5/6 कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये कितना हो गया 3/2, हुआ कि नहीं हुआ। टैन थीटा कितना हो गया, टैन 5/6 इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना हो गया 1/√3। ध्यान से देखो ये सब इसी ट्रायंगल से निकल के आ रहा है सब कुछ, पहली चीज ये थी। अब बात ये है कि भाई इसको रिलेट कैसे करें, तो ध्यान से सुनना अगेन, अब मैं जो बता रहा हूं वो उससे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुमने अभी अभी सीखा। ये एंगल क्या लिया मैंने, पाई बाय सिक्स यानी कि 30 डिग्री लिया, 30 डिग्री, ये मैंने 30 डिग्री लिया यानी कि पाई बाय सिक्स, दिस एंगल इज पाई बाय सिक्स, कहां पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मैं ये ट्रायंगल इधर को बनाता हूं और ये वाला एंगल अगर मैं पाई बाय सिक्स लेता हूं, राइट, ये वाला एंगल अगर मैं पाई बाय सिक्स लेता हूं, तो दिस कंप्लीट एंगल व्हिच इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज 30 बच्चों, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 150 होगा, और 150 को हम लोग क्या बोलते हैं रेडियंस में, वी कॉल इट 5 π/6, यानी जब तुम्हारा एंगल 5 π/6 है तो जो तुम्हारा ट्राइंगल बन रहा है वो न्यूमेरिकली किस ट्राइंगल के बराबर है, 5 π/6 वाले ट्राइंगल के बराबर है, ठीक है, 5 π/6 वाले ट्रायंगल के बराबर है। आई नो दिस पॉइंट इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग फॉर द न्यूकमर्स, राइट, बट यू हैव टू डाइजेस्ट इट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट रादर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारा एंगल 30 डिग्री था, ये ट्रायंगल बना, भाई जब ये 150 जाएगा तो ट्रायंगल तो यही बनेगा, अभी हमने रेडियस घुमा के देखा था ना, ट्रायंगल तो यही वाला बन रहा था, दिस ट्रायंगल जो वाइट ट्रायंगल है, जब 150 होगा तो ट्रायंगल तो यही बनेगा बच्चों, ठीक है। तो जब ये 150 है तो बचा हुआ एंगल कितना बच गया, डेफिनेटली 30 बचा, 30 को क्या बोलते हैं, 5/6 बोलते हैं। तो यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा तो होगा सेम ही, विल गेट द सेम वैल्यू, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क होगा, दैट इज ऑल। यानी जब मैं 5 π/6 का इक्विवेलेंट क्या है, 5 π/6, जब मैं इसकी बात करूंगा तो जो 5 π/6 पे था न्यूमेरिकली मुझे वही वैल्यू मिलेगी, न्यूमेरिकली मुझे वही वैल्यू मिलेगी, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना पड़ेगा। साइन इज पॉजिटिव, कॉस इज नेगेटिव एंड टैन इज नेगेटिव। सिमिलरली 0 डिग्री पे जो भी वैल्यूज थी वही वैल्यू कहां पे आएगी, पाई पे। देखो ना 0 डिग्री पे तुम्हारा ट्रायंगल कैसा था, ये था तुम्हारा 0 डिग्री पे, दिस वाज, दिस इज 0 डिग्री, राइट। 0 डिग्री मींस व्हाट, दिस इज 0 डिग्री, दिस वन, दिस इज 0 डिग्री, एंड व्हाट इज 180, 180 पे दिस मूव्स हियर, राइट। तो ट्रायंगल तुम्हारा यहाँ पे बनता ही नहीं, राइट। यहाँ पे तुम्हारा परपेंडिकुलर कितना है, 0 है, जैसे यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, रेडियस के बराबर हो जाता है, 90 डिग्री पे रेडियस के बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर, बट 0 डिग्री पे कितना होता है, परपेंडिकुलर इज 0। सिमिलरली 180 पे परपेंडिकुलर कितना होता है, 0। इसीलिए जो वैल्यूज तुम्हारे पास 0 पे हैं वही वैल्यूज कहाँ पे आएंगी तुम्हारे पास, पाई पे आएंगी। बस सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। तो भाई साइन तो पॉजिटिव था ही, कॉस नेगेटिव था तो नेगेटिव कर देंगे, टैन 0 है तो 0 को नेगेटिव पॉजिटिव तो सेंसलेस सी बात है, 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है। अगेन 3 π/4, पाई बाय 4 कितना एंगल होता है, पाई बाय 4 इज व्हाट, दिस एंगल, व्हेन दिस एंगल इज 45 डिग्री वी कॉल इट पाई बाय 4, एंड व्हाट इज 3 π/4, 3 π/4 इज 135, 135 मींस व्हाट, इट इज 90 + 45, मतलब ये एंगल नीचे कितना रह गया, 45, यानी जो ट्रायंगल 45 में बन रहा था वही पे 135 भी बनेगा,
तो अगेन सेम वैल्यूज मैं रिपीट कर दूं, बिल्कुल सेम वैल्यूज रिपीट करूंगा, और नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान किससे लूंगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, दैट इज ऑल. सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, साइन इज पॉजिटिव. 2π/3, अब यहां तक तुम्हें ये बात समझ में आने लगी होगी. 2π/3 कितना था? 120 डिग्री. चलो थोड़ा डायग्राम बना देता हूं, उससे बेहतर समझ में आता है. राइट, सो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू. व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ 120 डिग्री, राइट, वी अंडरस्टैंड 120 डिग्री इन द क्वाड्रेंट सिस्टम. राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैं इसको रोटेट करूंगा 120 डिग्री. दैट मींस 90 + 30, समवेयर हियर दिस विल बी 120. अगर ये वाला एंगल 120 है, जिसको मैं रेडियंस में क्या बोल रहा हूँ, 2π/3, तो ये एंगल डेफिनेटली 60 होगा ना भाई, और 60 कितना होता है? π/3. यानी कि न्यूमेरिकली जो वैल्यू मुझे π/3 पे अचीव होती है, वही वैल्यू मुझे 2π/3 पे अचीव होगी. ठीक है, आओ देखते हैं. π/3 पे वैल्यूज क्या थी? 3/2 और 1/2 और √3. क्या ये वैल्यूज आएंगी? डेफिनेटली आएंगी. नेगेटिव पॉजिटिव देखना पड़ेगा. साइन इज पॉजिटिव, cos is negative, tan is negative, it is -1/2, it is -√3. मेरी बात क्या तुम लोगों को समझ में आ रही है? Everyone, this discussion was utterly important, and this discussion, the understanding was more important than utterly important. ठीक है, तो इसकी understanding बहुत जरूरी थी. I understand कि अभी हमने first exercise तक के भी basics नहीं किए हैं, बट मैं तुम्हें रटवाना नहीं, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ. और फिर ये 180 डिग्री से अगर आगे करेंगे तो फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट वाला फॉर्म में आएगा. बिल्कुल सही, परफेक्ट. राइट, आपके पास, आप जब 180 से आगे बढ़ोगे, देखो न्यूमेरिकली तो यही वैल्यूज रहेंगी हमेशा, चाहे तुम जहां मर्जी चले जाओ. जैसे देखो, मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, हालांकि थोड़ी सी टाइम एक्सीड हो रही है, बट आई होप यू डोंट हैव एनी क्लास आफ्टर दिस. ठीक है, सो यू कैन स्टे बैक, डिनर थोड़ा और लेट कर देना, नो प्रॉब्लम. सपोज करो आई टॉक अबाउट एन एंगल, मैं डिग्री और रेडियन साथ साथ सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट यू आर कंफर्टेबल, यू आर मोर कंफर्टेबल इन डिग्रीज एंड यू हैव टू बी मोर कंफर्टेबल इन रेडियंस, और यू कैन से यू हैव टू बी इक्वली कंफर्टेबल इन रेडियंस. इसलिए मैं बार बार दोनों लिखता हूँ ताकि तुम जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें तुम्हें समझ में आ जाए, और जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल होना है तुम उसमें कंफर्टेबल होना शुरू कर दो. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू एन एंगल विच इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. राइट, जस्ट फॉर योर डिस्कशन लेट मी कंसीडर वन एंगल. मैंने इस रेडियस को रोटेट किया और रोटेट करके मैं यहाँ पे लेके आ गया. अब ट्रायंगल तो ये बनेगा ना यार, दिस इज द ट्रायंगल. राइट, दिस इज 180 प्लस 30, लेट्स से आई एम टॉकिंग ऑफ 210 डिग्री. अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? 180 इज पाई एंड 30 इज पाई बाई 6, सो 210 इज डेफिनेटली 7π/6. राइट, दैट इज वन थिंग टू बी अंडरस्टूड. क्या ये सब चीजों में एक से दो क्लास में आपका कंफर्टेबल होना अनिवार्य है? राइट, इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू बी कंफर्टेबल इन दीज थिंग्स. ओके, सो मूविंग ऑन, व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ द वैल्यूज, तो बात समझने की ये है बेटा कि जो जो ट्रायंगल तुम्हारा 30 डिग्री पे बना था यहाँ पे, अब वो कहाँ बन गया? यहाँ पे. लेकिन एंगल तो अभी भी, उस ट्रायंगल का एंगल तो 30 डिग्री है बेटा. राइट, ये जो ट्रायंगल है इसका एंगल तो 30 डिग्री है. यानी मैं अगर 7π/6 पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ, व्हाट इज 7π/6, मैं इसके तुम्हें और अप्रोचेस भी आने वाले क्लासेस में बताऊंगा, बट अभी के लिए इन चीजों को समझना जरूरी है. नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा पूछो, कोई टेंशन नहीं है. तो सबसे पहली चीज कि मैं जब इस वैल्यूज को लिख रहा हूँ तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि जो वैल्यूज न्यूमेरिकली पाई बाई सिक्स पे थी, वही वैल्यूज हमारे पास 7π/6 पे आनी चाहिए. ठीक है, हमने वैल्यू रख दी सबसे पहले, तो 5/6 पे ये 1/2 था, ये √3/2 था, और ये कितना था? 1/√3. नेगेटिव पॉजिटिव इस बात पे डिपेंडेंट है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है. तो भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट. यानी कि साइन नेगेटिव होना तय है, कॉस नेगेटिव होना तय है, और टैन का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना तय है. टैन विल बी पॉजिटिव, तो दीज विल बी द वैल्यूज. मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें अर्पित? यस सर. एंड द रेस्ट ऑफ यू, वेदांश, Ritika and Manan. Yes. Similarly, when you move on to the fourth quadrant, you just need to realize two things, children. Number one, कि जो triangle में angle बन रहा है, वो कौन सा बन रहा है? अब overall angle 210 degree है, but triangle में कौन सा triangle angle बन रहा है? This is 30. यहाँ पे जब हम लोग 150 कर रहे थे, तो angle triangle कौन सा angle था? It was 30. When I move to the fourth quadrant, ध्यान से देख लो. Right? When I move to the fourth quadrant, let's say I talk about
270 plus 30, मैं let's say I talk about 300 degrees, right? तो कितना है ये 270, 90 plus 90 plus 90, ये तुम्हारा होता है 270, ये वाला, plus 30, तो तुमने plus 30 किया 300 degree में, तो तुम्हारे पास ये triangle वाला angle कितना है बेटा? It is 60 degree, यानी तुम्हारे पास numerically value कौन सी होगी? 60 degree वाली value होगी, this one, 5 by 3 वाली value होगी. हाँ, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव किस पे डिपेंडेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सिर्फ यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब कुछ नेगेटिव होगा. इज इट ओके? यस सर. गुड इनफ.